हे गाइस फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूं दो स्मार्टफोन के बीच में। जो कि पहला है रियलमी का 6 प्रो, जो कि लॉन्च होना है 5 मार्च को। सेकेंडरी फोन है पोको का X2। दोनों बीच में कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि दोनों ही फोन आपको अच्छी खासी प्राइसिंग में देखने को मिलते हैं और अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर देना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों ही फोन की डिस्प्ले और दोनों ही फोन की डिजाइन से। तो डिजाइन से हम बात करें, रियलमी 6 प्रो में आपको फुल ग्लास बॉडी इस बार देखने को मिलेगी और साथ में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। और बैक साइड पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियलमी के 6 प्रो पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन पर आपको देखने को मिलेगा और साथ में रियलमी का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी रियलमी के 6 प्रो में। यही बात कर लेते हैं पोको का X2 में आपको कैसी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। तो पोको का X2 में भी आपको फुल ग्लास बॉडी देखने को मिल जाती है और साइड में आपको प्लास्टिक के फ्रेम देखने को मिल जाते हैं और साथ में क्वाड कैमरा का सेटअप रियल साइड पर देखने को मिल जाता है। और साथ में जो राउंडिंग टाइप की आपको डिजाइन देखने को मिलती है पोको का X2 में, वो बहुत ज्यादा प्रीमियम आपको देखने को मिलती है। इस पर भी आपको कोई भी बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इस फोन पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो डिजाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फोन की आपको अच्छी देखने को मिलेगी। दोनों ही फोन की आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। बात करते हैं दोनों ही फोन की डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले दोनों ही फोन पर आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरे के साथ में डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और साथ में रियलमी के 6 प्रो पर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है। और साथ में जो आपको पोको के X2 में देखने को मिलती है, वो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि पोको के X2 की आपको डिस्प्ले रिफ्रेश रेट पोको के X2 का आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और साथ में दोनों ही फोन्स पर आपको IPS LCD डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं गाइस इन दोनों ही फोन्स के प्रोसेसर की। जो प्रोसेसर आपको रियलमी के 6 प्रो में देखने को मिल सकता है, वो आपको स्नैपड्रैगन का 720G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। और साथ में पोको के X2 में जो आपको चिपसेट देखने को मिलता है, वो स्नैपड्रैगन का 730G आपको चिपसेट देखने को मिलता है। तो दोनों ही फोन्स पर आपको कोई भी ज्यादा प्रोसेसर का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बस जो आपको स्नैपड्रैगन का 730G वाला चिपसेट देखने को मिलता है, तो उस पर आपको क्रायो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाते हैं एज ए कंपेयर स्नैपड्रैगन 720G से। तो थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिल जाता है 730G। तो इससे आप परफॉर्मेंस आप अगर देखते हैं, तो पोको का X2 की नो डाउट आपको अच्छी देखने को मिलती है। दोनों ही फोन की हम बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी जो आपको रियलमी के 6 प्रो पर देखने को मिल सकती है, वो 4200 mAh से लेकर 4000 mAh के बीच में देखने को मिलेगी। और साथ में आपको 30 वाट का आपको वो रियलमी के 6 प्रो पर चार्जर देखने को मिल जाता है। और साथ में आपको पोको के X2 की हम बात करें, तो पोको के X2 में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 27 वाट का आपको फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स पर आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और दोनों ही फोन्स पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं दोनों फोन की कैमराज की। तो कैमरा जो आपको रियलमी के 6 प्रो पर देखने को मिलेगा, वो आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। और सेकेंडरी कैमरा जो आपको देखने को मिलेगा, वो आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। थर्ड कैमरा आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा और चौथा कैमरा आपको जो देखने को मिलेगा, वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं पोको के X2 की, पोको के X2 में आपको प्राइमरी कैमरा सेंसर जो देखने को मिलता है, वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है विद सोनी के IMX686 लेंस के साथ में, जो कि बहुत ज्यादा बेटर आपको पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। अभी रियलमी का 6 प्रो का कंफर्म नहीं है कि कौन सा लेंस आपको देखने को मिले, बट ज्यादा कंफर्मेशन निकल के आ रही है कि सैमसंग का GW1 सेंसर ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको रियलमी के 6 प्रो पर देखने को मिलेगा कैमरा पर। सो हम बात कर लेते हैं पोको का X2 की। आपको सेकेंडरी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, थर्ड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, फोर्थ कैमरा भी आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। पोको का X2 में आपको टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलता, जो कि बहुत ही आपको अच्छी बात है कि रियलमी के 6 प्रो पर आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। हम बात करते हैं दोनों फोन के फ्रंट कैमरे की। तो फ्रंट कैमरा जो आपको पोको का X2 में देखने को मिलता है, वो 20+2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि रियलमी के 6 प्रो में आपको 16+8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ही देखने को मिले। तो कैमरे के मामले में आपको रियलमी का 6 प्रो ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलने वाला एज ए कंपेयर पोको X2। तो पोको का X2 आपको नो डाउट कैमरा के मामले में आपको अच्छा देखने को मिलेगा और दोनों ही फोन्स पर आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और साथ में आपको जो रियलमी के 6 प्रो पर देखने को मिलता है, वो आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं और पोको के X2 में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट ही देखने को मिलता है। तो इससे आप थोड़ा सा आप अपने समझ से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है कि रियलमी के 6 प्रो में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है। और साथ में हम बात करते हैं दोनों ही फोन्स के रैम रेंट की। तो रैम रेंट जो आपको रियलमी के 6 प्रो में मिलेगा, वो आपको बेस्ट वेरियंट के साथ में 664 GB के साथ में देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है आपको 464 के साथ में देखने को मिले। बट जो आपको पोको का X2 में बेस्ट वेरियंट देखने को मिलता है, वो 6 GB 64 GB के साथ में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी आपको रैम ऑप्शन भी पोको के X2 में अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं आप पोको के X2 की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जो आपको पोको के X2 की देखने को मिल जाती है बेस्ट वेरियंट की, 15,900
₹9,999। यही हम बात कर लें रियलमी के 6 प्रो की, तो रियलमी के 6 प्रो की अभी आपको अभी तो प्राइसिंग कंफर्म नहीं है, बट बताई जा रही है माधव सेठ की तरफ से कि 16 से 17 हजार के रेंज में आपको रियलमी का 6 प्रो देखने को मिलेगा। तो प्राइसिंग में आप थोड़ा सा काफी डिफरेंस है, बट स्पेसिफिकेशंस आपको पोको के X2 में नो डाउट अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर आप रियलमी के 6 परचेज करने जा रहे हैं तो पोको का X2 आपके लिए बेटर फोन हो सकता है रियलमी के 6 प्रो से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि पोको का X2 में आपको अच्छी खासी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती हैं। जी ये कंपेरिजन आपको दोनों ही फोन का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।